सिक्किम के ऑरेंज गांव के 7 माइल ताडोंग के सामने बस दुर्घटनाग्रस्त। बस में सवार सभी छात्र झारखंड के रहने वाले। दुर्घटना में चालक समेत कई छात्रों को आई चोट। सभी छात्र सिक्किम के अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से की फोन पर बात। बच्चों के समुचित इलाज की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सिक्किम से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सिक्किम में झारखंड के कुछ छात्र शैक्षणिक भ्रमण तय हुए थे। इस दौरान सिक्किम के ऑरेंज रोड के 7 माइल तारंग रोड में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सभी छात्रों का इलाज वहां के निजी अस्पताल में हो रहा है। बता दें कि इस बस में सवार जो छात्र थे वो झारखंड की राजधानी रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के बीएड के छात्र थे, जो कि सिक्किम भ्रमण के लिए गए हुए थे। इस घटना में बस में सवार छात्र और साथ ही जो चालक थे उन्हें मामूली सी चोटें आई है। इस घटना की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करके दी है और उन्होंने इस घटना के बाद सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात की और छात्रों का बेहतर इलाज हो इसको लेकर के उनके साथ उन्होंने चर्चा की है, जिसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से हेमंत सोरेन ने दी है। बता दें कि फिलहाल छात्रों के एयरलिफ्ट की भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल मौसम के खराब होने की वजह से छात्रों का एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी जानकारी भी जो है वो ट्वीट के माध्यम से हेमंत सोरेन ने दी है। फिलहाल सभी जो छात्र हैं उनका इलाज सिक्किम के ही अस्पताल में चल रहा है और सभी छात्र फिलहाल खतरे से बाहर भी बताए जा रहे हैं।